हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। खाना तो जनरली सभी बनाते हैं, बट खाना बनाते समय कुछ छोटी छोटे से टिप्स और ट्रिक्स का अगर ध्यान रखा जाए तो इससे खाना जल्दी भी बनता है, स्वादिष्ट भी बनता है और हेल्दी भी बनता है। तो वो हमारी टिप है वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक मीन्स बहुत सारी वेजिटेबल्स का लिक्विड, जिसे हम कॉन्टिनेंटल फूड में, चाइनीज फूड में और इंडियन फूड में भी यूज़ करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और ये हमारे खाने को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फ्लेवरफुल वेजिटेबल लिक्विड बनाने के लिए हमें चाहिए अलग अलग तरह की सब्जियाँ, उनके छिलके और उनकी ट्रिमिंग। सभी को यूज़ करके हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल स्टॉक, जिसे हम करी में, सूप में और देसी चाइनीज फूड में भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे अनियन। ये मैंने स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट लिया है, आप नॉर्मल अनियन भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा अदरक। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। साथ ही इसमें जाएंगे 2-3 लौंग, 1 तेजपत्ता, थोड़ी सी दालचीनी। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी इसमें हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा लहसुन। अगर आपके पास हरा लहसुन ना हो तो आप नॉर्मल लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे बेसिल, आप चाहें तो रोजमेरी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। थोड़ी सी अजवाइन। साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मोटी सौंफ। अब इसमें ऐड करेंगे बीन्स और उनकी ट्रिमिंग्स। अब इसमें ऐड करेंगे कैबेज और उसकी ट्रिमिंग्स। अगर आपके पास फूल गोभी हो या ब्रोकली हो तो आप उसे भी इसमें ऐड कर लें। उसके डंठल, लीव्स, सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कैबेज थी इसलिए मैंने इसमें कैबेज ऐड कर दी। साथ ही इसमें जाएगी गाजर और उसकी ट्रिमिंग्स। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर की ट्रिमिंग्स। अगर आपके पास सेलरी हो और बहुत सारी सब्जियां हो तो उन्हें भी आप थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा बहुत सारा पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हमें इसे 1 घंटे बॉईल करना है। 1 घंटे के बाद इसे हम स्ट्रेन करेंगे और इससे जो पानी निकलेगा उसे कहते हैं वेजिटेबल स्टॉक। क्योंकि इस स्टॉक में बहुत सारा न्यूट्रिशंस होता है और सभी सब्जियों का और मसालों का अर्क होता है। इस वेजिटेबल स्टॉक को हम करी बनाने के लिए, पुलाव, बिरयानी बनाने के लिए, सूप बनाने के लिए, सॉसेस और कुछ चटनियों में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे लो फ्लेम पर हम 1 घंटे तक पकाएंगे। जब ये 1 घंटे पक जाएगा तो सारी सब्जियों और मसालों का प्रॉपर इसमें फ्लेवर आ जाएगा। फिर हम इसे स्ट्रेन करके रख लेंगे। ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है, सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और पानी भी थोड़ा सा बॉईल होकर कम हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। सब्जियों को अलग कर देंगे और ये देखिए, फाइनली वेजिटेबल स्टॉक बनकर तैयार है। इसे बनाकर आप 1-2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद भी इसे आप 2-3 दिन में यूज़ कर लें। तो इसी तरह आप भी बनाएं वेजिटेबल स्टॉक और अपने खाने को बनाएं और भी हेल्दी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।